टॉपिक फर्स्ट में ही पहले प्रेजेंट के सारी चीजें बता दी थी आपको, कैसे क्या करना है, क्या किसकी आइडेंटिटी होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कहां पर कैसे किसको क्या यूज करना है। इसके बाद आते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट टेंस में जैसे ही आते हैं तो पास्ट टेंस का सबसे पहला पार्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट का, ओके। तो पास्ट इंडेफिनिट में जैसे ही आते हैं सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसकी पहचान क्या है, तो सेम जैसे प्रेजेंट टेंस होता था ता है होता था, तो यहाँ पर क्या है, ता था, ती थी, ते थे, ओके। उसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की। प्रेजेंट में क्या था उसमें देखते थे हम, और वर्ब में एस या एस का यूज करते थे। सेम यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होगा क्योंकि ये पास्ट है यानी कि भूतकाल है जो बीत चुका है उसके बारे में। तो इसमें जो ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अब ऑलवेज मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो किसमें है, आपका सिंगुलर नंबर होगा, ये भी ध्यान रखना है, सिंगुलर है तो क्या होगा, जैसे गो होता है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, वेंट हो जाती है। अगर ड्रिंक है तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, ड्रैंक हो जाती है, ओके। सेकंड फॉर्म जी, मैं आपको अगली वीडियो में फॉर्म्स ऑफ वर्ब सारी कम से कम 100 से लेकर अप टू 200 तक सारी लिखवा दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मोहन बाजार गया, हमने देखा मोहन जो आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर गया यानी कि जाने की बात हो रही है, गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, और गो के साथ टू का यूज, देन ऑब्जेक्ट आ गया मार्केट, ओके, क्लियर हो गया। ये जहाँ पर भी किसी को दिक्कत आती है इस वीडियो को रोक लेना और क्लिक करके अपना नोट कर लेना, ठीक है। बार बार आप उसको बार बार भी देख सकते हो। सेकेंड में आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या है, सबसे पहले रहा था, रही थी और रहे थे। हेल्पिंग वर्ब में आते हैं तो वाज या वर और प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी का यूज, यानी कि इसकी फॉर्म जो होगी वो जेरंड फॉर्म होगी। एग्जांपल में आते हैं मोहन बाजार जा रहा था, सेम प्रोसेस, सब्जेक्ट आएगा मोहन, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने वाज, और ये जो आपका वर्ब है वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे और टू मार्केट, ओके। अब ये समझ, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, इसके बाद आपका क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अब आगे तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या इसमें लिया था, दिया था इत्यादि, ये शब्द भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, अगर लिया था, दिया था या फिर ये सवाल आता है। अच्छा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होती है, हैड। काफ़ी बच्चों से पूछा जाता है कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तो वो हैज, हैव, इसमें भी हैड के साथ हैव जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें ओनली हैड होती है, ना तो हैव और ना ही हैव, ओके। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, करते ही हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देन एक एग्जांपल लेते हैं, मैं विद्यालय पहुंच चुका था, देन आई यानी कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया आपकी हैड, ये वर्ब है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, रीड द स्कूल, ओके। सिंपल है, बस आपको आइडेंटिटी और उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे जरूरी है वो याद रखना है। फोर्थ नंबर में आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम वही जैसा आपके प्रेजेंट में पढ़ा था कि आपकी जो आइडेंटिटी पहचान होगी वो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस इसमें क्या होगा, टाइम जरूर गिवन होगा, इसमें ध्यान देना है। और टाइम मैंने बताया था वो टाइम आपका डेफिनिट टाइम भी हो सकता है या आपका टाइम इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित हो सकता है, ओके। डेफिनिट टाइम बता चुका हूँ पहले, सुबह से शाम से, सुबह के 4 बजे से, तो डेफिनिट टाइम होगा। इनडेफिनिट टाइम क्या होता है, 3 घंटे से वगैरह वगैरह जो भी होंगे सारे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके। देन एग्जांपल में आते हैं, मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल, मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। फॉर क्यों लगा, क्योंकि 3 घंटे से, वो 3 घंटे कौन से हमें नहीं पता। अगर यही दिया होता कि सुबह के 3 घंटे से, तो पता है ना सुबह तो एक ही बार होती है, वो डिफरेंट आ जाता, तो ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब ये सारे देख लेना, बड़ा नोट जरूर कर लेना सारे लोग, और आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, उसको रोक कर चाहे जैसे देखे, ओके।